हेलो एवरी वन वेलकम टू आर चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल थर्टीन में क्या प्रोविजन्स हैं उसको डिस्कस करेंगे केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल थर्टीन बात किसके बारे में करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन फिफ्टी में लाया गया था तो जाहिर सी बात है उसके पहले कुछ लॉज कुछ लॉज पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल थर्टीन में उसी के बारे में बात किया गया है कि जो लॉज पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो लॉ आएंगे बनाए जाएंगे तो ये फ़ंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो मतलब कहने का ये है कि जो लॉ पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले या वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बनाया जाएगा वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा वो वॉयड होगा नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और जो बनाया जाएगा वैसे तो लिखा गया है आर्टिकल थर्टीन में कि कोई ऐसा लॉ बनाया ही नहीं जा सकता बट इन केस अगर लॉ बन भी अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उस लॉ को हम वॉय मानेंगे तो बेसिकली आर्टिकल जो थर्टीन है वो जुडिशरी को एक पावर देता है कि जो भी लॉज है जो बनाए गए हैं या जो बनाए जाएंगे उसको रिव्यू करने का पावर दिया गया है तो चलिए अब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल थर्टीन के क्लॉज वन में ऑल लॉज इनफोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमिडियटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकसिस्टेंसी बी वॉइड क्लॉज टू में लिखा गया है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और द राइट्स दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रशन बी वॉइड और क्लॉज थर्ड में कहा गया है इन दिस आर्टिकल द अंटेक्सट अदरवाइज रिक्वायर्ड अ लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाई लॉ रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज Having in the territory of India the force of law, and the law in force includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. क्लॉज फोर में लिखा गया है नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट तो ये तो रही बात कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली exactly क्या लिखा गया है तो अब हम आगे इसको समझते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली exactly इसका मतलब क्या है तो आर्टिकल थर्टीन को पढ़ने के बाद पता चला कि ये दो लॉ के बारे में बात कर रहा है एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो लॉ एग्जिस्ट करते थे उसके बारे में बात किया जा रहा है और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो लॉज बनाए जाएंगे उसके बारे में बात किया जा रहा है तो आर्टिकल थर्टीन के क्लॉज वन को देखते हैं कि कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले बनाया गया था जो एग्जिस्टेंस में था अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लेंस कर रहा है अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उस लॉ को हम वॉइड मानेंगे और वॉइड भी उस एक्सटेंट तक मानेंगे जिस एक्सटेंट तक ये फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है मतलब सपोज कोई एक्ट है और उस एक्ट के कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो हम पूरे एक्ट को ही नल एंड वॉय नहीं करेंगे हम उसके उस प्रोविजन नल एंड वॉइड करेंगे जो प्रोविजन्स फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो चलिए अब इसके केस लॉस देख तो पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास की जिसमें सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था तो बेसिकली सेक्शन फोर्टीन में ये लिखा गया था कि अगर कोई पर्सन है जिसको डिटेन किया गया है इस एक्ट के तहत तो इस केस में वो पर्सन डिस्क्लोज नहीं करेगा ग्राउंड के कि कौन से ग्राउंड पे उसकी रिटेंशन हुई है बिफोर द कोर्ट तो सेक्शन फोर्टीन को आर्टिकल ट्वेंटी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट माना गया कि ये फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिजमेंट है और सेक्शन फोर्टीन को नल एंड वाइड बताया गया अब इस केस में एक डॉक्ट्रिन यूज़ करी गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जिसका मतलब ये होता है किसी एक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोविजन अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उस केस में ये देखा जाता है कि जो सेक्शन है जो प्रोविज़न है क्या वो उस एक्ट से सेपरेबल है कि नहीं अगर वो पर्टिकुलर प्रोविजन्स पूरे एक्ट सेपरेट किया जा सकता है और उस प्रोविज़न उस एक्ट के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अगर चेंज नहीं हो रही है तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर जो प्रोविज़न है सेक्शन है उसको वॉइड माना जाएगा ना कि पूरे एक्ट को तो इस पर्टिकुलर केस में जो सेक्शन फोर्टीन डिटेंशन एक्ट का सिर्फ सेक्शन फोर्टीन को वाइड माना जाएगा ना कि पूरे एक्ट को तो चलिए ये देखते हैं सेकेंड केस क्या कहता है केशव माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये कहा गया है कि आर्टिकल थर्टीन जो है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है जिसका मतलब ये होता है सपोज कोई केस पहले से चला आ रहा है किसी का ट्रायल पहले से चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही कोई ट्रायल चल रहा है कोई केस चल रहा है और वो जो पर्टिकुलर प्रोविजन्स है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो इस केस में आर्टिकल थर्टीन नहीं एप्लीकेबल होगा बिकॉज जो आर्टिकल थर्टीन है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है तो इस पर्टिकुलर केस में पटिशनर ने एक पैम्पलेट पब्लिश करा जो कि पनिशेबल था अंडर एग्जिस्टिंग लॉ बट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद आर्टिकल नाइनटीन आया जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जैसा कि आर्टिकल थर्टीन प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है तो इस केस में जो ट्रायल चल रहा था वो एज इट इज चलेगा उसमें आर्टिकल आर्टिकल नहीं एप्लीकेबल होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं 13 के टू को। टू के को। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बारे स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल ऐसा लॉ केस बन भी गया है तो वो लॉ उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है जिस एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो चलिए एक केस को डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ गुजरात एंड अंबिका मिल्स इस केस में लेबर वेलफेयर फंड एक्ट को चैलेंज किया गया था इसके कुछ प्रोविजन्स फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे तो इस केस में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन या कंपनी को ग्रांटेड है तो कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को ग्रांटेड है तो इस केस में जो रिस्पोंडेंट है वो एक कंपनी है और कंपनी को कोई फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड नहीं है तो इस केस में किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हुआ है तो ये जो एक्ट है लेबर वेलफेयर फंड एक्ट है वो वैलिड तो आइए अब आर्टिकल थर्टीन के क्लॉज थ्री को डिस्कस करते हैं और क्या कहा गया है देखते हैं आर्टिकल थर्टीन के क्लॉज थ्री में लॉ और लॉ इन के के बारे में बात करी गई है जिसमें कहा गया है लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर बाई लॉज रूल्स रेगुलेशन कस्टम यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटे ऑफ इंडिया वेर सेकेंड पॉइंट जो कहता है लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज मेड और पास बाई द लेजिस्लेचर और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सच लॉ नॉट रिपील्ड अगर हम इसको देखें तो एक बात पता चलता है कि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव है मतलब लॉ उन सब लॉ को इंक्लूड करता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जिससे अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो लॉ लॉ के डेफिनेशन में फॉल करेगा तो आइए इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ को देखते हैं अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें कहा गया था कि जो पर्सनल लॉ होता है वो लॉ के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है वेयर एज सेकेंड केस में ये कहा गया था कि अगर कोई पर्सनल लॉ जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा क्विफाई किया गया था तो ऐसा लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कुछ अदर इंस्टेंसेस की बात करें जैसे कि ट्रिपल तलाक केस में कोर्ट ने कहा था कि जो शरीय लॉ है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है तो ये लॉ लॉ एंड फोर्स के अंडर फॉल करता है तो इसलिए ये वॉइड होगा और इस केस में जस्टिस नरिमन ने नरासू केस जो कि फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था जिसमें पर्सनल लॉ को लॉ के डेफिनेशन में फॉल नहीं होता है कहा गया था उस पर भी शंका जताया था तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल कर थर्टीन के क्लॉज फोर के बारे में तो इसमें कहा गया है कि कोई भी अमेंडमेंट्स जो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के तहत लाया गया है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल थर्टीन और इतना ही नहीं अगर कोई अमेंडमेंट्स लाया गया है और वो अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जाएगा तो यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो डॉक्ट्रिन है उसको इंट्रोड्यूस करा गया था कुछ लैंडमार्क केसेस के द्वारा क्लॉज फोर से रिलेटेड काफ़ी केसेस आए हैं जिसमें लैंडमार्क डिसीजन भी लिया गया था कोर्ट के द्वारा तो कई केसेस आए थे जैसे शंकरी प्रसाद गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती मिनरवा मिल एंड ऑल से की अगर केशवानंद भारती की बात करें एक्चुअली क्वेश्चन ये अरइज़ हुआ था क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 जैसे गोलकनाथ केस था या फिर ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट की बात करें केशवानंद भारती की बात करें या फिर शंकरी प्रसाद सिंह की जो फर्स्ट केस आया था एंड अदर केसेज भी आए हैं जैसे मिनरवा मिल एंड ऑल अदर केसेज भी हैं इन सब केसेस को हम जब आर्टिकल 368 को डिस्कस करेंगे तब डिटेल में इसको समझेंगे कि केसेस में क्या डिसीजन लिए गए थे ऑर्गूमेंट क्या था किस बेस पे सारी चीज़ें हुई थी तो केशवानंद भारती केस की बात करें जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें दिया गया था इसमें कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है और ऐसे अमेंडमेंट्स को आर्टिकल थर्टीन के अंडर चैलेंज नहीं किया जाएगा इवन इफ सच अमेंडमेंट्स इज़ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो बेसिक फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकती तो आज के लिए बस इतना ही और मैंने कोशिश करी है कि आर्टिकल थर्टीन को अच्छे से समझाने की और जो इसमें केसेस हैं उसको और डिटेल में हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आई uh, होप uh, ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे